हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल किसी भी स्पेशल ओकेजन का सेलिब्रेशन बिना केक के तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और अगर केक दिखने में खूबसूरत हो तो वो आपके स्पेशल ओकेजन को और खूबसूरत बना देता है। तो चलिए, आज मैं एक ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले केक डिज़ाइन की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे ये फ्लावर बास्केट केक को डिज़ाइन किया है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो चॉकलेट फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये भी होममेड चॉकलेट फ्लावर्स हैं। बहुत ही अमेजिंग केक लगता है। आज मुझे ये एनिवर्सरी केक का ऑर्डर आया था, तो मैंने इसको बनाते समय सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप भी इस फ्लावर बास्केट केक का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे कस्टमर्स को चॉकलेट फ्लेवर वाला केक चाहिए था, तो आज मैं उनके लिए चॉकलेट ट्रफल केक बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी चॉकलेट स्पॉन्ज केक। ये एगलेस केक है, इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो के आखिरी में एंड स्क्रीन में क्लिक करके भी आप मेरे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और मेरी उस रेसिपी को फॉलो करके आप भी हर बार वो परफेक्ट चॉकलेट स्पॉन्ज केक बना पाएंगे। तो चलिए, ये केक मैंने बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया। इसको मैं अच्छे से ठंडा होने दूंगी और इसको ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रिज में भी एक दो घंटे छोड़ना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए केक मेकिंग को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप डार्क चॉकलेट। इसको मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि आज हम चॉकलेट ट्रफल केक बनाने वाले हैं, तो इसी चॉकलेट से हम केक की लेयरिंग करेंगे। तो इसको मैं हीट प्रूफ बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी। ये 2 कप डार्क चॉकलेट है, करीब 150 ग्राम्स या 200 ग्राम्स के बीच का होगा। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर वाली मलाई का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लें। और अब मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूंगी। आपने इसको 30-30 सेकंड्स का गैप देकर मेल्ट करना है, लगातार नहीं मेल्ट करना है, वरना ये जल भी सकता है। आप चाहे तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई लंप नहीं रहना चाहिए चॉकलेट का। शुरू में देखिए थोड़ा सा मर्की लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मेल्ट करते जाएंगे ना, ये बहुत ही बढ़िया ग्लेज वाला एकदम हमारा चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग इसका ग्लेज है। और धीरे धीरे चॉकलेट जो है वो इसमें मेल्ट होने लगेगा। तो इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एकदम लंप फ्री चॉकलेट सॉस आपने बनाकर यहाँ तैयार करना है। तो देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 छोटे चम्मच बटर। ये एकदम रूम टेम्परेचर वाला बटर होना चाहिए। इसको भी हम इसमें अच्छे से मेल्ट होने देंगे, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाना चाहिए बटर। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और इसको मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार है। इसको मैं फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ा सा रख देती हूँ 1 घंटे के लिए करीब। और जब तक हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो फ्रिज में सेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। इसको मैंने अच्छे से क्लिंग फिल्म में लपेट कर फ्रिज में रखा था। खुला मत छोड़िएगा वरना ये ड्राई हो जाएगा। और अब मैं इसके लेयर्स को काट लूंगी। मैं यहाँ 3 लेयर्स काट के तैयार करूंगी। और आपने ब्रेड नाइफ का ही यूज़ करना है, तभी आपके लेयर जो है एकदम परफेक्ट कटेंगे। देखिए, 3 लेयर्स मैंने काट कर यहाँ तैयार कर लिए हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब एक छोटे से बोल में मैं ले लूँगी 5 बड़े चम्मच चॉकलेट सिरप। और अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1/4 कप पानी। अच्छे से इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम लेयरिंग के वक्त यूज़ करने वाले हैं। तो ये मिक्सचर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। और देखिए, हमारे चॉकलेट गनाश को भी सेट होते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। आपने इसको मीडियम स्पीड पर करीब 1 मिनट के लिए बीट करना है। और देखिए, बीट करने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा इसका कलर। ये देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है केक की लेयरिंग के लिए। तो अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से बीच में थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँगी। और अब मैंने ले लिया है ये केक बोर्ड, ये 10 इंचेस का केक बोर्ड है। मैं इसके बीच में सेंटर में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लगा दूंगी, ताकि जो केक है वो खिसके ना। और अब इस बोर्ड के बीच में मैं रख दूंगी केक का पहला लेयर। इसको अब हम चॉकलेट सॉस जो हमने बनाकर तैयार किया था, चॉकलेट सॉस का मिक्सचर, उससे ब्रश कर दूंगी। अच्छे से आपने पूरे केक को ब्रश कर लेना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि खाते वक्त जो केक है वो ड्राई ना लगे, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहे। और अब हम चॉकलेट गनाश की एक मोटी लेयर इसके ऊपर डालेंगे। अच्छे से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है स्पैचुला की मदद से, इवनली स्प्रेड करना है। और ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए, ये अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी केक की दूसरी लेयर। और सेम प्रोसीजर आपने दोबारा से रिपीट करना है, सेम स्टेप रिपीट करना है। दोबारा से हम इसके ऊपर चॉकलेट सॉस का मिक्सचर लगाएंगे पूरे केक के ऊपर। चॉकलेट ट्रफल केक मेरा फेवरेट फ्लेवर है केक में, मुझे बहुत ही पसंद आता है ये। तो चलिए, चॉकलेट सॉस लगाने के बाद अब हम दोबारा से एक लेयर चॉकलेट गनाश की इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इवनली हम इसको स्पैचुला की मदद से दोबारा से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये सेकेंड लेयर भी हमारी तैयार है। तो अच्छे से इसको स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे आखिरी लेयर, थर्ड लेयर जो है
और इस लेयर को भी हम चॉकलेट सॉस से अच्छे से ब्रश कर लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट हमारे लेयर्स कटे हैं। तो आपने केक को अच्छे से ठंडा करके ही उसको काटना है। तो इस लेयर को भी हम अच्छे से कवर कर देंगे चॉकलेट गनाश से, और अब हम इसके साइड्स को भी चॉकलेट गनाश से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से मैं इसके साइड्स में भी चॉकलेट गनाश लगाती जाऊंगी और इसको कवर करती जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा केक जो है वो इस गनाश से कवर हो जाएगा। तो इवनली आपने इसको स्प्रेड करना है। तो आपने पूरे केक को इस चॉकलेट गनाश से अच्छे से कवर कर लेना है। और इसको अच्छे से कवर करने के बाद अब एक स्क्रेपर की मदद से मैं इसके सरफेस और एजेस को स्मूथ कर लूँगी। तो इसी तरह से आपने हल्के हाथों से थोड़ा सा एंगल देते हुए स्क्रेपर की मदद से इसके सरफेस को एकदम स्मूथ कर देना है। आपने स्क्रेपर यूज़ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो स्क्रेपर को थोड़ा सा एंगल देकर रखें और हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से लगातार घुमाते हुए आपने इसके एजेस और सरफेस को स्मूथ कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसके साइड्स को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी नैपकिन पेपर से, और अब इसके सर्फेस को भी मैं थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ कर लूँगी। और अब एक ग्लास में मैं यहाँ पे ले लूँगी एकदम गर्म पानी। इसमें मैं स्पैचुला को डालूँगी, उसको कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डिप करके रखना है और फिर निकाल कर वाइप करके, अच्छे से वाइप करके आपने केक के ऊपर चला देना है। इससे क्या होगा कि आज जो केक का सरफेस है वो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। और इसी स्टेप को आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि पूरा केक जो है वो एकदम स्मूथ ना हो जाए। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि डिप करने के बाद जब आप निकालेंगे बाहर उसको आपने वाइप करना है। तो देखिए केक बिल्कुल तैयार है, कितना परफेक्ट लग रहा है, एकदम स्मूथ हो चुका है। इसको अब मैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। और तब तक मैंने ले लिया है ये केक टिन जिसमें हमने केक बनाया था, इसकी मैं स्टेंसिल बनाकर तैयार कर लूँगी। इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो केक टिन के ही शेप का ये स्टेंसिल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है, और अब मैं इसको बीच में से लंबाई में दो बराबर हिस्सों में काट दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं इसको काट कर तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा स्टेंसिल बिल्कुल तैयार है, और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 50 ग्राम्स चॉप डार्क चॉकलेट। इसको मैंने चॉप कर लिया था और एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल में ले लिया है। इसको मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छे से, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। और अब मैं इस मेल्टेड चॉकलेट को स्टेंसिल के ऊपर डाल दूंगी, और स्पैचुला की मदद से इवनली आपने इसको पूरे स्टेंसिल के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। बीच में कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत इवनली आपने इसको स्प्रेड करना है, एक पतली सी लेयर आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और इसको स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेट होने देंगे। करीब 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा, और तब तक हमारा केक भी सेट हो गया। तो मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और मैं इसके बीच में सेंटर में इस तरह से लंबाई में एक मार्क बना दूंगी। आपने कट नहीं लगाना है, हल्का सा एक मार्क बनाना है ताकि आपको पता रहे कि आपने कितने पोर्शन में इसका डिजाइन बनाना है। और ये है चॉकलेट फ्लास, ये मैंने घर में ही बनाकर तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो के आखिरी में एंड स्क्रीन में भी मैं इसका वीडियो लिंक डाल दूंगी, उसको जरूर देखिए आप। ये चॉकलेट फ्लास बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दिखने में। अब मैं इसके बेस में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लगा के इन्हें इस तरह से अरेंज करती जाऊंगी। आपने आधे पोर्शन में ही इनको अरेंज करना है, और लाइन से थोड़ा सा हटके आपने इनको लगाना है। तो देखिए मैं ये व्हाइट चॉकलेट फ्लास और डार्क चॉकलेट फ्लास को मिक्स करते हुए इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, एकदम रियल फ्लास लगते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, लेकिन बहुत डेलिकेट होते हैं तो बहुत केयरफुली आपने इनको हैंडल करना है। तो इस तरह से देखिए सारे चॉकलेट फ्लास को मैं केक के हाफ पोर्शन में अरेंज कर लूँगी। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो देखिए सारे फ्लास को मैंने अच्छे से केक के ऊपर अरेंज कर दिया है, और देखते हैं हमारा चॉकलेट शेप तैयार हुआ है कि नहीं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब बहुत ही केयरफुली आपने पीछे लगे पार्चमेंट पेपर को निकाल लेना है, ये पतला शीट होता है तो आपने बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना है, वरना ये एकदम से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है, पार्चमेंट पेपर को मैंने निकाल दिया है, और अब इसके जो अनइवन एजेस है उसको मैं ट्रिम कर लूँगी। तो एक नाइफ की मदद से आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसके जो अनइवन एजेस हैं उनको ट्रिम कर लेना है। बहुत ही केयरफुली आपने इस चॉकलेट शीट को हैंडल करना है, वरना ये क्रैक हो जाएगा। तो देखिए हमारी चॉकलेट शीट बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको बीच में प्लेस कर दूंगी। इसको आपने फ्लावर का सपोर्ट देना है, और उस फ्लावर की तरफ ही आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट रखना है। तो थोड़ा सा बेंड करते हुए आपने इसको फ्लावर के सपोर्ट देते हुए इस तरह से प्लेस कर देना है। तो देखिए बिल्कुल तैयार है। और अब एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। अब हम इसको मीडियम स्पीड पर करीब 2 से 3 मिनट तक के लिए व्हिप कर लेंगे। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है व्हिप करते वक्त। एक तो आपका जो व्हिपिंग क्रीम है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, उसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। और जो ब्लेंडर है वो कम से कम 350 वाट्स का होना चाहिए जिस बोल में आप व्हिप कर रहे हैं। और जो ब्लेंडर का ब्लेड है इसको भी आपने रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए रखकर ठंडा कर लेना है, तभी आप इसको व्हिप करें। तो देखिए क्रीम को व्हिप करते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं। और अब इस स्टेज में मैं ऐड कर दूंगी डार्क कोको पाउडर। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, और अब हम इसे हाई स्पीड पर करीब 5-6 मिनट के लिए और व्हिप कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से इसमें स्टिफ पीक्स आ गए हैं, ये बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बास्केट डिजाइन वाला नोजल, इसी से हम बास्केट का डिजाइन बनाते हैं।
और साथ में मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, नोजल को मैं इस बैग में डाल दूंगी, प्लेस कर दूंगी और अब साथ में मैं इसमें भर दूंगी ये व्हिप्ड क्रीम। अच्छे से ऊपर से हम इसको नॉट लगा देंगे और इसका कोना काट कर अब हम इसका डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपने ये डिज़ाइन बनाना है। तो जिस तरह से बास्केट को आप वीव करते हैं ना उसी तरह का डिज़ाइन आपने इसमें बनाकर तैयार करना है। तो देखिए पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी और फिर हॉरिजॉन्टल मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे लाइंस बनाकर तैयार किए थे, फिर नेक्स्ट एक आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है और फिर जो पहले लाइंस बनाए थे हॉरिजॉन्टल लाइंस उसके बीच में जो गैप होता है उसमें आपने लाइंस बनाने हैं। फिर इसी तरह से आपने स्टेप्स को रिपीट करते जाना है और ये देखिए इस तरह से आपका ये खूबसूरत सा बास्केट डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके सर्फिस में मैंने ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसी तरह से मैं साइड में भी ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये दिखने में, तो मेरे क्लाइंट्स को तो ये बहुत पसंद है ये डिज़ाइन और मुझे मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं वो इसी डिज़ाइन के आते हैं। तो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होता है ये केक। बस अगर आपका व्हिप्ड क्रीम जो है वो आपने अच्छे से तैयार किया है तो ये डिज़ाइन बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, तो आप ये डिज़ाइन बनाकर बहुत आराम से तैयार कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसके सारे साइड्स को इसी तरह से डिज़ाइन बनाते हुए कवर करती रहूँगी। सर्दियों में व्हिप्ड क्रीम को हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है लेकिन गर्मियों में ये काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आप एक काम करें, जब आप व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो जितना आपने पाइपिंग बैग में रखा है वो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाकी जो बचा हुआ है उसको आप फ्रिज में ही रखें जब तक आप उसको यूज़ नहीं करें। और क्रीम को व्हिप करते वक्त आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके बर्तन में जिसमें आप क्रीम व्हिप कर रहे हैं, आपके ब्लेंडर के ब्लेड में, किसी में भी हल्का सा भी ट्रेस पानी का नहीं होना चाहिए। जैसे ही पानी क्रीम के कॉन्टैक्ट में आएगा आपका क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है और आप भी हमेशा एक परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए अब ये आखिरी पोर्शन बच गया है जो कि हमने ये चॉकलेट का जो शीट बनाया था उसके ऊपर अब मैं इसी पैटर्न को, सेम पैटर्न को बना रही हूँ। तो हमने इस शीट को हल्का सा स्लांटेड पोजीशन में यानी कि हल्का सा टेढ़ा करके रखा है तो बहुत आसानी से हमारा ये केक डिज़ाइन इस पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ऑलमोस्ट हमारा केक ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है और बाकी हम इसमें थोड़े से फिनिशिंग टचेस देंगे। तो ये आपका खूबसूरत सा फ्लावर बास्केट केक बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो ये आखिरी लाइन है जो ये मैं बना रही हूँ और अब मैं इसके बॉर्डर्स बना लूँगी ताकि थोड़ा सा नीट लगे ये। तो इसी नोजल से मैं इसका बॉर्डर भी बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये केक बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और चलिए अब इसका बॉर्डर बना लेते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश ले लिया है, इसी से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार नोजल का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इसके बॉर्डर को बनाकर तैयार कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो बहुत ही प्यारा हमारा ये केक बनकर तैयार हो रहा है। और इस तरह से मैं इसके सारे बॉर्डर को कंप्लीट कर लूँगी और अब मैं इसे सिल्वर शुगर बॉल से डेकोरेट कर लूँगी। या आपको किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर या जहाँ पे बेकिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ आपको आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे बॉर्डर के ऊपर लगा लूँगी, बहुत खूबसूरत लगेगा ये। तो आप चाहे अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन शुगर बॉल्स भी मिलते हैं उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर है। तो इस तरह से मैंने इसके बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी का यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब चलिए इसके मैं ऊपर के पोर्शन को भी थोड़े से चॉको चिप से डेकोरेट कर लूँगी। जो हमने बॉर्डर बनाया था उसे मैं इन चॉको चिप से डेकोरेट कर लूँगी। थोड़े थोड़े गैप में मैं इन चॉको चिप्स को प्लेस करती जाऊँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा ये केक और ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। आई होप मेरे क्लाइंट को भी ये पसंद आए। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा फ्लावर बास्केट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी एक बार इसे घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मार्केट में अगर आप इसे लेने जाएंगे ना तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, ये डिज़ाइनर केक्स बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये केक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।